हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आदर्श विद्या। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने बीकॉम सेम 5 बिजनेस लो सब्जेक्ट में एक्सेप्टेंस एंड प्रपोजल के बारे में डिस्कस किया था। ओके, आज का हमारा नया टॉपिक है कैपेसिटी ऑफ पार्टीज, या तो फिर इसे कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट भी कह सकते हैं। ठीक है, कि एक कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए पार्टीज में कौन सी कैपेसिटी होनी चाहिए, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ओके, ये आपका टॉपिक। ठीक है, कई बार इसमें से आपकी एग्ज़ाम में जो एमसीक्यू निकलते हैं इसमें से निकल जाते हैं। आप ध्यान से देखिएगा इस टॉपिक को। ठीक है, चलिए अब लो में कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट किसे कहा गया है। ठीक है, कौन से पार्टीज को जो है, कौन सी पार्टी जो है कैपेबल है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। ठीक है, तो इसमें आपको कहा गया है कैपेसिटी रिफर्स टू द कॉम्पिटेंस ऑफ द पार्टीज टू मेक अ कॉन्ट्रैक्ट। इट इज़ वन ऑफ द इसेंशियल एलिमेंट टू फ्रॉम अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए एक इसेंशियल एलिमेंट हो जाता है कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो उसमें आपको डेफिनेशन क्या दी गई है, हु इज़ कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। सेक्शन 11 में आपको कहा गया है एवरी पर्सन इज़ कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हु इज़ ऑफ द एज ऑफ मेजोरिटी अकॉर्डिंग टू द लॉ टू विच ही इज सब्जेक्ट एंड हु इज़ ऑफ साउंड माइंड एंड इज़ नॉट डिसक्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाय एनी लॉ टू विच ही इज सब्जेक्ट। ठीक है, तो देखिए इसमें कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या कहा गया है, आपको 3 टाइप्स के आपको कहा गया है। ठीक है, एक तो क्या है कॉन्ट्रैक्ट हु इज़ एज ऑफ द मेजोरिटी। ठीक है, वो मेजोरिटी की एज में होना चाहिए, यानी कि 18 प्लस होना चाहिए इन द इंडियन एक्ट। वो एक मेजर एज में होना चाहिए। ठीक है, 18 प्लस होना चाहिए, यानी कि वो माइनर नहीं होना चाहिए। ओके, और दूसरा आपको कहा गया है कि वो साउंड माइंड होना चाहिए। ठीक है, साउंड माइंड यानी कि वो एक कैपेबल होना चाहिए कि वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, वो उसमें अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि वो किस टाइप का कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है, किसके साथ कर रहा है, इसके वजह से उसको क्या रिजल्ट मिलेगा, उसके अंदर एक कैपेसिटी होनी चाहिए, वो साउंड माइंड होना चाहिए, यानी कि वो एक पागल कोई भी इंसान जो है कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है। ठीक है, तो साउंड माइंड होना चाहिए, अनसाउंड माइंड वाला इंसान जो है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। ठीक है, एंड इट इज़ नॉट डिसक्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाय एनी लॉ, यानी कि वो जो पर्सन है वो लॉ के थ्रू डिसक्वालिफाइड नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसका एनालाइज हम करें तो 3 ABC हमने एनालाइज किया है, हैज़ अटेन्ड द एज ऑफ मेजोरिटी। ठीक है, वो जो पर्सन है वो मेजोरिटी की एज में होना चाहिए। दूसरा जो है इज ऑफ साउंड माइंड, ठीक है, वो साउंड माइंड होना चाहिए पर्सन। एंड नंबर 3 इज़ नॉट डिसक्वालीफाई फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाय एनी लॉ टू विच ही इज सब्जेक्ट। ठीक है, तो कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट में आपके 3 जो है रिजल्ट देखने को मिलते हैं। फर्स्ट इज एज ऑफ मेजोरिटी, ठीक है, वो माइनर नहीं होना चाहिए, मेजोरिटी की एज में होना चाहिए पर्सन। ठीक है, सेकंड इज साउंड माइंडेड होना चाहिए। एंड थर्ड वन इज वो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट किसी भी लॉ में डिसक्वालीफाइड नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट किसे कहा जा गया है कि अ पर्सन हु इज मेजर, ठीक है, हु इज साउंड माइंड एंड हु इज नॉट डिसक्वालीफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाय एनी लॉ। ठीक है, तो वो जो पार्टी है जो ये तीनों कंडीशन फुलफिल करती है, ठीक है, इन तीनों कंडीशन में अगर एक भी कंडीशन मिसिंग हो तो वो पार्टी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकती है। ठीक है, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यू कि कौन सी पार्टी जो है वो कैपेबल है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। तो हमने इसके 3 एनालाइज की है। फर्स्ट है एज ऑफ मेजोरिटी, यानी कि वो मेजर होना चाहिए, माइनर नहीं होना चाहिए। ठीक है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है कि अ कॉन्ट्रैक्ट विद माइनर वॉइड, ठीक है, इस टाइप के आपके सेंटेंस पूछे जाते हैं तो आपको किस तरह से आंसर लिखना है वो अब हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, और वो जो पर्सन है वो साउंड माइंड होना चाहिए, यानी कि उसमें वो कॉन्ट्रैक्ट करने की कैपेसिटी होनी चाहिए, वो
कॉन्ट्रैक्ट को समझने की उसमें कैपेसिटी होनी चाहिए, ठीक है। इट इज़ नॉट डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम एनी कॉन्ट्रैक्टिंग बाय एनी लॉ, ठीक है। वो कोई भी एक्ट के दौरान यानी कोई भी लॉ के दौरान उसे डिस्क्वालीफाइड नहीं किया जाना चाहिए, ठीक है। तो इसमें हमने थ्री एनालिस्टिक किया है और तीनों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट वन इज लॉ रिलेटिंग टू माइनर्स एग्रीमेंट। माइनर अगर माइनर के साथ एग्रीमेंट किया जाए तो उसकी क्या कंडीशन होगी, उसके क्या लॉज होंगे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्योंकि हमने अभी देखा कि अगर कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए थ्री कंडीशन होनी चाहिए, इनमें इसमें फर्स्ट कंडीशन है आपकी कि एज ऑफ मेजोरिटी, ठीक है। वो जो पर्सन है 18 प्लस होना चाहिए, अगर 18 के नीचे है, बिलो 18 है, ठीक है, तो वो क्या होगा, माइनर होगा, ठीक है। तो माइनर के साथ अगर कॉन्ट्रैक्ट होना हो जाए तो उसके क्या आपको निकल के आती है लॉ, क्या कहता है उसके बारे में लॉ रिलेटिंग टू माइनर्स एग्रीमेंट, ठीक है। अगर माइनर के साथ एग्रीमेंट किया जाए तो उसके क्या रिजल्ट हमें देखने को मिलते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसमें आपको कहा गया है अ कॉन्ट्रैक्ट मेड विथ और बाय अ माइनर इज वॉइड एब इनिशियो, ठीक है। एब इनिशियो आपके लिए एक नया वर्ड है, ठीक है। एब इनिशियो का मतलब क्या होता है कि अगर माइनर के साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट किया जाए, ठीक है, तो वो इन द बिगिनिंग, ठीक है, वो शुरुआत में ही क्या हो जाता है, वॉइड हो जाता है, ठीक है। अ माइनर इज नॉट अ कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट एन एनी एग्रीमेंट विथ और बाय अ माइनर इज वॉइड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, ठीक है। कि अगर माइनर के साथ कोई भी एग्रीमेंट या तो फिर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट किया जाए तो वो क्या हो जाता है, इन द वेरी बिगिनिंग वो वॉइड माना जाता है, ठीक है। इट इज़ नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, इट्स अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। उसे कहा जाता है एब इनिशियो, ओके। इसके बाद आपको एक हमने ये जो टॉपिक है आपको कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप इसका एक केस भी हम केस स्टडी भी लिख सकते हैं, एक मोहरी बीवी और धर्मोदास का एक केस है। तो उस केस में आपको कहा गया है कि अ माइनर बोरो 20,000 फ्रॉम बी एंड एज अ सिक्योरिटी फॉर द सेम एग्जीक्यूटेड अ मॉर्टगेज इन हिज फेवर, ही बिकम अ मेजर फ्यू मंथ्स लेटर एंड फील्ड अ सूट फॉर द डिक्लेरेशन दैट द मॉर्टगेज एग्जीक्यूटेड बाय हिम ड्यूरिंग हिज माइनॉरिटी वॉज वॉइड एंड इट वॉज हेल्ड दैट अ मॉर्टगेज बाय अ माइनर वॉज वॉइड एंड बी वॉज नॉट एंटर इंटीलाइड टू रीपेमेंट ऑफ मनी, ठीक है। एक आपको एक केस दिया गया है कि एक मोहरी बीबी एंड धर्मोदास का एक केस स्टडी था कि उसने क्या था कि ये जो माइनर पर्सन है उसने 20,000 रुपीस बी से बोरो, उसने एक मॉर्टगेज भी रखा है, ठीक है, और विद इन अ फ्यू मंथ्स वो जो ए पर्सन है वो एक मेजोरिटी एज में आने वाला था, बट क्या हुआ कि इन द उसने क्या किया कि अगर ए जो है फ्यू मंथ्स लेटर, ठीक है, कुछ महीने के बाद अगर वो मेजोरिटी की एज में आने वाला है तो क्या होगा कि वो कोर्ट में केस कर सकता है, ठीक है, कि जब भी मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया था वो एक माइनर था, ठीक है, मेजोरिटी एज के आने से पहले उसने कॉन्ट्रैक्ट किया है, ओके। तो इस केस में आपको कहा गया था कि जब भी उसने कॉन्ट्रैक्ट किया था, ठीक है, जब भी उसने लोन ली थी, जब भी उसने पैसे लिए थे बी से, तब वो माइनर था, ठीक है। तो माइनर जो है, माइनर के ऊपर बी जो है अब रीपेमेंट के लिए केस नहीं कर सकता है, ठीक है, बी वॉज नॉट इंटिलाइड टू रीपेमेंट ऑफ मनी, ठीक है। तो माइनर्स के साथ कोई भी अगर एग्रीमेंट या तो फिर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट किया जाए तो वो इन द वेरी बिगिनिंग क्या हो जाता है, वॉइड माना जाता है। अब हम किसी भी तरीके से बाय लो हम किसी भी तरीके से उससे पेमेंट नहीं करवा सकते हैं, ठीक है। इट इज़ स्पेशली प्रोवाइडेड इन सेक्शन 10 दैट अ पर्सन हु इज़ इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट मेक अ कॉन्ट्रैक्ट विद इन द मीनिंग ऑफ द एक्ट, ठीक है। ऐसा कोई भी इंसान के साथ हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं जो इन द आईज ऑफ माइनर है, ठीक है। तो इसमें कई सारे माइनर्स में हमने टॉपिक देखने हैं, ठीक है, चलिए। उसके बाद आपको कहा गया है
नो रिफ्लेक्शन, सॉरी नो रेटिफ्लेक्शन, तो यानी कि माइनर जो है, ठीक है, इसमें आपको कहा गया है नो रेटिफिकेशन, माइनर कैन नॉट रेक्टिफाई द एग्रीमेंट ऑन रिटेनिंग मेजोरिटी एज द ओरिजिनल एग्रीमेंट इज वॉइड एब इनिशियो एंड अ वॉइड एग्रीमेंट कैन नेवर बी रेटिफाइड। ठीक है, एक माइनर जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट को या तो फिर एग्रीमेंट को रेटिफाइड नहीं कर सकता है, क्योंकि ये जो एग्रीमेंट हुआ है वो एब इनिशियो है, यानी कि इन द वेरी बिगिनिंग ये क्या है, माइनर है, जो है एब इनिशियो है, यानी कि इन द वेरी बिगिनिंग ये क्या कहा जाता है, वॉइड एग्रीमेंट या तो फिर वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें कई सारे आपके टॉपिक है, ठीक है, तो एक एक टॉपिक हम डिस्कस करेंगे माइनर के, जो भी एग्रीमेंट होते हैं उसमें कौन सी आपकी कंडीशन लगती है। ठीक है, तो इसमें कहा गया है माइनर कैन बी अ बेनिफिशियरी। ठीक है, एक आपका ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि अगर माइनर कैन बी बेनिफिशियरी है तो क्या होगा, और कैन टेक बेनिफिट आउट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। तो अ माइनर is not competent to contract, nothing in the contract act prevents him from making the other party bound to the minor, there's a promissory note duly executed in favor of a minor is not void and can be issued upon by him because the though incompetent to contract may yet accept a benefit। ठीक है, यानी कि minor अगर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट करने से या तो फिर किसी भी एग्रीमेंट करने से माइनर को अगर बेनिफिट होता है, ठीक है, तो वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है। ठीक है, तो आपको ये देखना है कि माइनर को बेनिफिट होता है, माइनर कैन बी बेनिफिशरी। यानी कि अगर माइनर को बेनिफिट मिल रहा है, ठीक है, तो इट कैन बी ड्यू टू कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, वो जो है माइनर कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है जब भी उसको बेनिफिट मिलता हो तब। बट आपको याद रखना है कि माइनर सिर्फ अपने बेनिफिट के लिए ही रिस्पॉन्सिबल है, और अगर लॉस होता है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ठीक है, तो माइनर में हमने दो टॉपिक डिस्कस किए हैं, एक तो फर्स्ट इन द वेरी बिगिनिंग अगर माइनर के साथ कोई भी एग्रीमेंट होता है तो वो वॉइड कहलाता है, बट अगर माइनर कैन बी बेनिफिशियरी है, ठीक है, अगर उसको बेनिफिट मिल रहा है तो वो एग्रीमेंट कर सकता है। ठीक है, उसके बाद है अ माइनर कैन नॉट बिकम पार्टनर। ठीक है, कि माइनर जो होता है वो पार्टनर नहीं बन सकता। ठीक है, अभी हमने डिस्कस किया कि माइनर कैन बी अ बेनिफिशियरी, अगर उसमें पार्टनरशिप में क्या होता है कि प्रॉफिट एंड लॉस होते हैं, अगर उसको बेनिफिट मिल रहा है तो वो क्या है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। पर अगर किसी भी पार्टनरशिप में अगर उसे लॉस होता है तो उसके लिए माइनर जो है रिस्पॉन्सिबल नहीं है। हाउएवर ही मे विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स बी एडमिटेड बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, अगर बेनिफिट्स होता है तो उसके लिए वो माइनर जो है वो लियाबल हो सकता है, पर लॉसेस के लिए नहीं है। ठीक है, अ माइनर कैन ऑलवेज प्लीड माइनॉरिटी। ठीक है, ऑलवेज प्लीड माइनॉरिटी यानी कि माइनर जो है वो किसी भी वक्त जो है अपना जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कैंसिल करवा सकता है। ठीक है, अपनी बेनिफिट के लिए वो कॉन्ट्रैक्ट जो है कैंसिल करवा सकता है, फॉर द रीज़न वो माइनर है उसकी वजह से। ठीक है, अ माइनर कैन ऑलवेज प्लीड माइनॉरिटी एंड इज नॉट स्टॉप टू डू सो इवन वेयर ही हैज़ टेकन एनी लोन और एंटर्ड इन टू एनी कॉन्ट्रैक्ट बाय फॉल्सली रिप्रेजेंटिंग दैट ही वॉज मेजर। ठीक है, कि वो जो है मेजोरिटी की एज में नहीं है, ठीक है, तो वो किसी भी वक्त जो है वो कॉन्ट्रैक्ट वो एग्रीमेंट जो है वो कैंसिल करवा सकता है। ठीक है, उसके बाद टॉपिक आता है रूल ऑफ इस्टॉपेल कैन नॉट बी अप्लाइड अगेंस्ट अ माइनर। इट मीन्स ही कैन बी अलाउड टू प्ली हिज माइनॉरिटी इन
डिफेंस, ठीक है। अभी हमने डिस्कस किया कि वो अपने डिफेंस में ये कह सकता है कि जब भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ तब वो माइनर था, ठीक है, मेजोरिटी की एज में नहीं था, वो इस तरह से अपने डिफेंस कर सकता है, ठीक है। लायबिलिटी फॉर नेसेसरीज, अब एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि अगर इसमें आपको कहा गया है अ क्लेम फॉर नेसेसरी सप्लाई टू अ माइनर इज़ इन्फोर्सिएबल बाय लॉ, यानी कि अगर कोई भी इंसान, कोई भी पर्सन माइनर को अगर नेसेसरी सप्लाई करता है, ठीक है, तो वो जो है उसके लिए माइनर जो है लायबल बनता है, ठीक है। बट अ माइनर इज़ नॉट लायबल फॉर एनी प्राइस दैट ही मे प्रॉमिस एंड नेवर फॉर मोर देन द वैल्यू ऑफ द नेसेसरीज, देर इज़ नो पर्सनल लायबिलिटी ऑफ द माइनर बट ओनली हिज प्रॉपर्टी इज लायबिलिटी, ठीक है। यानी कि माइनर जो है वो पर्सनल लायबिलिटी नहीं बनता है अगर किसी ने किसी पर्सन ने, ठीक है, माइनर को नेसेसरी सप्लाई किया है, ठीक है। नेसेसरी सप्लाई यानी कि कोई भी नेसेसरी उसकी जो भी रिकमांड है, ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं रोटी कपड़ा मकान, ठीक है, ऐसा कुछ भी है। माइनर जो है पर्सनली लायबिलिटी नहीं है बट उसकी प्रॉपर्टी जो है वो लायबिलिटी बन सकती है, ठीक है। बट उसके लिए क्या होता है कि ओनली द वैल्यू फॉर नेसेसरी सप्लाई, ठीक है, जो भी नेसेसरी सप्लाई किया है उसकी वैल्यू के लिए ही उसकी प्रॉपर्टी लायबल है, ठीक है। बट उसके लिए दो कंडीशन हमने रखनी है, द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी फॉर द गुड्स रीजनेबली नेसेसरी फॉर हिज सपोर्ट इन द स्टेशन इन लाइफ, ठीक है, उसकी लाइफ के लिए वो जो सप्लाइड है वो नेसेसरी होनी चाहिए, ओके। द माइनर मस्ट नॉट हैव ऑलरेडी अ सफिशियंट सप्लाई ऑफ दिस नेसेसरीज, ठीक है, और जो माइनर है वो अपनी नेसेसरी सप्लाई भी पूरी नहीं कर पा रहा है, ठीक है, वो अगर नेसेसरी सप्लाई भी परचेज नहीं कर पा रहा है तो ही वो उसके लिए बनता है, ठीक है। नेसेसरी मीन्स दोज थिंग दैट आर इसेंशियली नीडेड बाई अ माइनर, दे कैन नॉट इंक्लूड लग्जरियस और कॉस्टली और अननेसेसरी आर्टिकल्स, ठीक है। यानी कि जब भी कोई नेसेसरी सप्लाई करता है उसमें लग्जरियस आइटम्स जो है वो इंक्लूड नहीं होती है, ठीक है, अननेसेसरी जो भी आर्टिकल्स है वो इंक्लूड नहीं होते, सिर्फ नेसेसरी आइटम्स ही इंक्लूड होते हैं। तो माइनर कब लायबल बनता है, जब भी उससे नेसेसरी, उस पर्सन ने अगर नेसेसरी सप्लाई किया है माइनर को और अगर माइनर वो भी परचेस नहीं कर पा रहा है तो उसकी प्रॉपर्टी जो है माइनर की वो उसके लिए लायबल बनती है, ठीक है। उसके बाद है कॉन्ट्रैक्ट बाय गार्डियन, ठीक है, हाउ फेयर इन्फोर्सिबल वेयर द गार्डियन मेक्स अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द माइनर विच इज़ विद इन हिज कॉम्पिटेंस एंड विच इज़ फॉर द बेनिफिट ऑफ द माइनर, देयर विल बी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट विच द माइनर कैन इन्फोर्स बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स मेड बाय गार्डियन एंड बिहाफ ऑफ अ माइनर आर नॉट वैलिड, ठीक है। यानी कि कई बार क्या होता है कि माइनर का जो भी गार्डियन है वो माइनर के बिहाफ पे अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो वो वैलिड माना जाता है बाय इन्फोर्सिबल बाय लॉ, अगर वो माइनर की बेनिफिट में है तो, ठीक है, तो जो वो है कोर्ट के दौरान उसको इन्फोर्स कर सकता है अगर माइनर के बेनिफिट में है तो। हैज नो पावर टू बाइंड द माइनर बाय अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द परचेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी बट अ कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड इन टू बाय अ सर्टिफाइड गार्डियन ऑफ अ माइनर विद द सेक्शन ऑफ द कोर्ट फॉर द सेल ऑफ द माइनर्स प्रॉपर्टी मे बी इन्फोर्स बाय आइदर पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। यानी कि गार्डियन में भी आपको कहा गया है कि गार्डियन अगर सर्टिफाइड है, ठीक है, अपॉइंटेड बाय द कोर्ट है, अगर गार्डियन अपॉइंटेड बाय कोर्ट है तो वो क्या होता है कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं माइनर की बेनिफिट के लिए, जो भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उसके लिए माइनर जो है लायबल बन सकता है, ठीक है। तो गार्डियन में भी दो रूल्स हमने देखे कि एक तो कॉन्ट्रैक्ट जो है माइनर की बेनिफिट में होना चाहिए और जो वो गार्डियन है वो अपॉइंटेड बाय द कोर्ट होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है नो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस अ माइनर्स एग्रीमेंट बीइंग एब्सोल्युटली वॉइड, देयर कैन बी नो क्वेश्चन ऑफ द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ सच एन एग्रीमेंट, ठीक है। माइनर जो भी एग्रीमेंट करता है, ठीक है, वो सारे क्या होते हैं इन द वेरी बिगिनिंग
एब इनिशियो होते हैं, ठीक है, तो कोई भी स्पेसिफिक पर्सन जो है वो माइनर नहीं कर सकता है, ठीक है। फिर आता है नो इंसॉल्वेंसी, ओके, सेम रूल्स, अगर माइनर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है वो क्या है, सारे वॉइड है, तो इंसॉल्वेंसी का तो कोई क्वेश्चन ही पैदा नहीं होता है, ठीक है। अ माइनर कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट एज इज इनकैपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग डेब्ट्स एंड ड्यूज आर पेएबल फ्रॉम द पर्सनल प्रॉपर्टीज ऑफ माइनर एंड ही इज नॉट पर्सनली लायबल, ठीक है, वो पर्सनली कोई भी लायबल नहीं बन सकता है क्योंकि माइनर जो है वो कैन नॉट बी डिक्लेयर इंसॉल्वेंट, ठीक है, वो एक भी कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकता, तो फिर इंसॉल्वेंट भी नहीं बन सकता है, ठीक है। उसके बाद कैन एक्ट एज एन एजेंट बट ही विल नॉट बी लियाबल टू हिज प्रिंसिपल फॉर हिज एक्ट। अ माइनर कैन डू डिलीवर एन इंडोर्स नेगोशियबल इंस्ट्रूमेंट विदाउट हिमसेल्फ बीइंग लियाबल, ठीक है, क्योंकि एजेंट में क्या होता है, जो भी काम होते हैं वो प्रिंसिपल के थ्रू होते हैं, ठीक है, एजेंट का जो भी प्रिंसिपल होता है वो उसके लिए लियाबल होता है, यानी कि अगर माइनर जो है कोई भी काम करता है, कोई भी एक्ट करता है, तो उसके लिए उसका प्रिंसिपल लियाबल होता है, नॉट अ माइनर, ठीक है। तो माइनर जो है वो एजेंट तो बन सकता है बट उसका जो भी एक्ट बनता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है उसका प्रिंसिपल, ठीक है। उसके बाद है माइनर कैन नॉट बाइंड पेरेंट और गार्डियन इन द एब्सेंस ऑफ ऑथोरिटी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड एंड इन्फंट इज नॉट कैपेबल ऑफ बाइंडिंग हिज पेरेंट और गार्डियन इवन फॉर नेसेसरी द पेरेंट्स विल बी हेल्ड लियाबल ओनली वैन द चाइल्ड इज एक्टिंग एज एन एजेंट फॉर पेरेंट्स, ठीक है। यानी कि जो भी माइनर है वो एक पेरेंट या और गार्डियन की बेस पे कोई भी माइनर जो है वो एक्ट नहीं कर सकता एज अ पेरेंट एज अ गार्डियन, ठीक है, क्योंकि उसके पास ऐसी कोई भी अथॉरिटी नहीं है, उसका जो भी एक्ट होता है वो इलीगल माना जाता है, ठीक है, इट इज़ अ वॉइड। जॉइंट कॉन्ट्रैक्ट बाय माइनर एंड एडल्ट, यानी कि अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें क्या होता है कि अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में जॉइंट कॉन्ट्रैक्ट होता है और उसमें दो पर्सन है, अगर एक माइनर है और एक एडल्ट है, तब उसकी कंडीशन क्या रहेगी, इन सच अ केस द एडल्ट विल बी लियाबल ऑन द कॉन्ट्रैक्ट एंड नॉट द माइनर, ठीक है। अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट इस तरह से होते हैं, अगर एक माइनर है एक एडल्ट है, तो क्या होगा, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, कौन लियाबल होगा, ओनली एडल्ट नॉट अ माइनर, ठीक है। इन सेन दास विज रामचंद केस आपको, वेर देयर वॉज अ जॉइंट परचेस बाय टू परचेसर, वन ऑफ देम वॉज अ माइनर एंड इट वॉज हेल्ड दैट द वेंडर कुड इन्फोर्स द कॉन्ट्रा अगेंस्ट द मेजर परचेस एंड नॉट द माइनर, ठीक है। एक आपको केस दिया गया था कि अगर उसमें एक सेन दास एंड रामचंद का केस है, उसमें एक परचेस किया था जॉइंट परचेस और एक माइनर था और एक एडल्ट था, ठीक है, तो जो भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उसमें कौन रिस्पॉन्सिबल है, जो भी परचेस की थी उसमें मेजर जो है, ठीक है, वही रिस्पॉन्सिबल बनता है, माइनर रिस्पॉन्सिबल नहीं बनता है, ठीक है। और उसके बाद आपको कहा गया है श्योरिटी फॉर माइनर, ठीक है, इन ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी व्हेन एन एडल्ट स्टैंड श्योरिटी फॉर अ माइनर देन ही इज लियाबल टू थर्ड पार्टी एज देर इज डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द श्योरिटी एंड द थर्ड पार्टी, कोई भी पर्सन, ठीक है, माइनर की श्योरिटी लेता है किसी के भी लिए, ठीक है, तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो श्योरिटी देने वाला और थर्ड पार्टी के लिए होता है, क्योंकि माइनर उसमें लायबल नहीं बनता है, जिसने भी श्योरिटी दी है वो पर्सन और थर्ड पार्टी जो है वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल बन जाती है, ठीक है। फिर आता है माइनर एज शेयर होल्डर, ठीक है, अ माइनर बीइंग इनकॉम्पिटेंट टू अ कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी अ शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी, ठीक है, माइनर जो है वो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के लिए वैलिड नहीं माना जाता है, तो शेयर होल्डर भी नहीं बन सकता है। इफ बाय मिस्टेक ही बिकम्स अ मेंबर द कंपनी कैन रिस्काइंड द ट्रांजेक्शन एंड रिमूव हिज नेम फ्रॉम रजिस्टर, ठीक है, अगर गलती से भी उसका नाम आ जाता है तो कंपनी कैन कैंसल हिज नेम, ठीक है, अपने रजिस्टर में से उसका नाम जो है वो कैंसिल कर सकती है, बट अ माइनर में एक्टिंग तो हिज लॉफुल गार्डियन बिकम अ शेयर होल्डर बाय ट्रांसफर और ट्रांसमिशन ऑफ फुल्ली पेड शेयर्स टू हिम, यानी कि अगर
शेयर होल्डर की वजह से उसको कोई भी बेनिफिट होता है, यानी कि अगर उसको डिविडेंड मिल रहा है, उसका बेनिफिट हो रहा है, तो उसके लिए वो लियाबल है, ठीक है। एक फुल्ली पेड शेयर के लिए वो एक शेयर होल्डर बन सकता है, ठीक है। बट इन द कंपनी अगर लॉस होता है तो उसके लिए कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी नहीं मानी जाती, वो शेयर होल्डर नहीं माना जाता है, ठीक है। लियाबिलिटी फॉर टॉर्ट्स, ठीक है, यानी कि कोई भी गलत काम होता है, टॉर्ट्स यानी गलत काम के लिए, वो अ टॉर्ट इज़ अ सिविल रॉन्ग, ठीक है। एक सिविल रॉन्ग यानी कि कोई भी मिस्टेक हो जाती है माइनर से, अ माइनर इज़ लियाबल इन टॉर्ट अनलेस अ टॉर्ट इन रियलिटी इज़ अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। यानी कि अगर माइनर से कोई भी गलती हो जाती है इन द आइज ऑफ लॉ, ठीक है, तो उसके लिए वो क्या माना जाता है, लियाबल माना जाता है, इन्फोर्सिएबल बाय लॉ माना जाता है, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक हमने माइनर के लिए देखे थे, ठीक है, क्योंकि माइनर जो है आपका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, क्योंकि इसमें आपको कई बार क्वेश्चन मिल जाते हैं कि एज अ माइनर क्या होता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, ठीक है। तो वो हमने कई सारे टॉपिक देखे कि माइनर जो है इज अ वॉइड एब इनिशियो, ठीक है। एक हमने मोहिरी बीबी एंड धर्मदास का भी केस हमने अभी स्टडी किया, ठीक है। उसके बाद एज अ वो क्या होता है, नो रेटिफिकेशन, ठीक है, कैन बी बेनिफिशरी, कैन नॉट बिकम पार्टनर, प्लीड माइनॉरिटी, ठीक है। फिर लायबिलिटी फॉर एसेसरीज देखा हमने, फिर कॉन्ट्रैक्ट बार गार्डियन, नो माइनर कैन बी एन एजेंट, माइनर कैन नॉट बाइंड पेरेंट और गार्डियन, जॉइंट कॉन्ट्रैक्ट बाय माइनर एन एडल्ट, श्योरिटी फॉर अ माइनर, माइनर एज शेयर होल्डर, लायबिलिटी फॉर टॉर्ट्स, ठीक है। ये सारे टॉपिक हमने माइनर के बेस पे हमने डिस्कस किए, ठीक है। हमने थ्री टाइप्स देखे थे, फर्स्ट हमने डिस्कस किया था जो भी कि आपकी जो भी कैपेसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है उसमें फर्स्ट था एज ऑफ मेजोरिटी के, ठीक है। तो मेजोरिटी में आपके दो वर्ड्स निकल के आते हैं, एक तो मेजोरिटी एंड माइनर, ठीक है। तो माइनर के लिए हमने सारे रूल्स देखे थे, उसके बाद था एज ऑफ साउंड माइंड, ठीक है। तो साउंड माइंड के लिए आपके जो भी लो में कंडीशन है, ठीक है, पर्सन ऑफ साउंड माइंड, उसके लिए आपको कहा गया है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 12 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, अ पर्सन इज से टू बी ऑफ साउंड माइंड फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट इफ एट द टाइम वैन ही मेक्स इट इज कैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग इट एंड ऑफ फॉर्मिंग अ रैशनल जजमेंट एज टू इट्स इफेक्ट अपॉन हिज इंटरेस्ट, ठीक है। यानी कि ऐसा इंसान जो कैपेबल है, क्या किसके लिए कैपेबल है, फॉर अंडरस्टैंडिंग, यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है वो कैपेबल है कि ये कौन सा कैसा कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, उसमें ऐसी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। और रैशनल जजमेंट यानी कि वो जो है इंसान, वो जो पर्सन है, वो एक जजमेंट अपने हिसाब से दे सकता है, यानी कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है उसका क्या भी क्या डिसीजन होगा, उसका रिजल्ट क्या मिलने वाला है, वो उसमें पूरी कैपेसिटी होनी चाहिए, वो अंडरस्टैंडिंग उसमें होनी चाहिए। तो उसे कहा क्या कहा जाता है, साउंड माइंड कहा जाता है, ठीक है। एग्जांपल वन आपको दिया गया, अ पेशेंट एट इंटरवल्स ऑफ साउंड माइंड मेक कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरिंग दोज इंटरवल्स, ठीक है। यानी कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है वो पर्सन लुनाटिक एज अ लम, यानी कि उसमें एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ठीक है। वो एक पर्सन जो है वो पूरी तरीके से कैपेबल होना चाहिए वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, उसमें अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, एक पूरा जजमेंट वो कर पाए, ठीक है, ऐसा इंसान होना चाहिए, ठीक है। एग्जांपल टू आपको दिया गया, अ सेन मैन हु इज़ डेलीरियस फ्रॉम फेवर और हु इज़ सो ड्रंक दैट ही कैन नॉट अंडरस्टैंड द टर्म्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट और फॉर्म अ रैशनल जजमेंट एज इट्स इफेक्ट ऑन हिज इंटरेस्ट, कैन नॉट कॉन्ट्रैक्ट विच सच डिलीरियम और ड्रंकलेस लास, ठीक है। यानी कि ऐसा पर्सन जो एक फेवर में है, ठीक है, यानी कि उसे, यानी कि कोई पर्सन है उसे बहुत सारा फेवर हो गया है और वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कैपेबल नहीं है, ठीक है। और यानी कि कोई भी ऐसा पर्सन है जो ड्रंक है,
है, तो वो क्या होगा, एक कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए वो एक कैपेबल नहीं है, एक जजमेंट देने के लिए कैपेबल नहीं है, तो वो साउंड माइंड जो है वो पर्सन नहीं कहलाता है। ठीक है, तो साउंड माइंड किसे कहा गया है, तो अ पर्सन कैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग इट एंड ऑफ फॉर्मिंग अ रैशनल जजमेंट एज टू इट्स इफेक्ट अपॉन हिज इंटरेस्ट। ठीक है, यानी कि वो इंसान जो है, वो पर्सन है, वो पूरी तरह से कैपेबल होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, एक जजमेंट देने के लिए कैपेबल होना चाहिए, तो ही उसे साउंड माइंड कहा जाता है। ठीक है, पोजीशन ऑफ अनसाउंड माइंड पर्सन मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट बाय अ पर्सन हु इज नॉट साउंड माइंड इज वॉइड। ठीक है, यानी कि जो भी पर्सन जो है, अगर वो साउंड माइंड नहीं है, तो वो अगर उसके थ्रू कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वो क्या कहा जाएगा, वॉइड कहा जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक लास्ट टॉपिक हमने डिस्कस किया था, कॉन्ट्रैक्ट बाय डिसक्वालिफाइड पर्सन, यानी कि किसी भी लॉ में अगर उसे डिसक्वालिफाइड किया गया है तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है। तो बिसाइड्स माइनर्स एंड पर्सन्स ऑफ अनसाउंड माइंड, देयर आर ऑल्सो अदर पर्सन हु आर डिसक्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग, तो पार्टली और वॉली, सो दैट द कॉन्ट्रैक्ट्स बाय सच पर्सन आर वॉइड। इनकॉम्पिटेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट में अराइज फ्रॉम पॉलिटिकल स्टेटस, कॉरपोरेट स्टेटस, लीगल स्टेटस एक्सेट्रा। ठीक है, द फॉलोइंग पर्सन फॉल इन दिस कैटेगरी, फॉरेन सोवरेन्स है, ठीक है, एम्बेसडर्स है, एलियन एनिमी है, कॉरपोरेशन है, फिर है कॉन्विक्ट्स है, इंसॉल्वेंट है एक्सेट्रा। यानी कि जो भी ऐसे पर्सन हैं जो एक लॉ के दौरान डिसक्वालीफाइड किए गए हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका एक तो मेनर, इसके बाद आता है साउंड माइंड एंड डिसक्वालीफाइड पर्सन। ठीक है, तो एक आपका क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, कैपेसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है, तो उसमें आपके थ्री टाइप्स हमने देखे, एक तो माइनर होना चाहिए, साउंड माइंड होना चाहिए, और किसी भी लो में वो डिसक्वालीफाइड नहीं होना चाहिए, वही पर्सन जो है कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। ठीक है, तो इस सारे टॉपिक्स में से आपके कई सारे क्वेश्चन भी निकलते हैं, ठीक है, और कई सारे MCQ आपके पूछे जाते हैं, तो आपको अगर इसी टॉपिक में समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।